में सब्सक्राइब कीजिए लॉ हेल्प्स इंडिया यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकॉन को दबाकर ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं आप लोगों तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ लॉ हेल्प्स इंडिया और आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि डिजिटल लॉकर कैसे बनाते हैं। दोस्तों पहले जो प्रोसेस था डिजिटल लॉकर बनाने का, पहले जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा डिफरेंस था, अभी वो उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। दोस्तों मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि डिजिटल लॉकर कितना सेफ है और इसको यूज किया जा सकता है या नहीं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ रहेगा, आप लोग जाके क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों डिजिटल लॉकर बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा एक आधार कार्ड और उसके साथ एक वैलिड फोन नंबर लिंकअप होना चाहिए और उसके बाद आप अपने ब्राउजर पर आके ऊपर में टाइप करेंगे www.digilocer.gov.in। आप जैसे टाइप करके इंटर करेंगे इस तरह का आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा, इस तरह का एक वेबसाइट खुल जाएगा। यहाँ पर आपको उस मोबाइल को, यहाँ पर मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर टाइप करना है जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंकअप है और उस मोबाइल नंबर को यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको करना पड़ेगा कंटिन्यू। तो चलिए मैं कर लेता हूँ कंटिन्यू, पहले मैं मोबाइल नंबर टाइप कर लेता हूँ उसके बाद मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब जैसे मोबाइल नंबर दे के इंटर करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा, उसको आपको यहाँ पर टाइप करके नीचे वेरीफाई पर आपको क्लिक कर लेना है। तो मैंने मेरे ओटीपी टाइप कर दिया है और उसके बाद मुझे क्लिक करना है वेरीफाई पर। मैं जैसे वेरीफाई पर क्लिक करूंगा यहाँ पर मुझे पूछा जाएगा यूजर नेम, कोई भी एक यूजर नेम आप रख सकते हैं और उसके साथ साथ आपको एक पासवर्ड यहाँ पर देना है और उसके बाद साइन अप पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ कोई भी एक यूजर नेम और उसके बाद पासवर्ड देके मैं साइन अप कर लेता हूँ। पासवर्ड सेट करके आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक आधार कार्ड नंबर, यानी कि आप जिस आधार कार्ड से इस अकाउंट को बनाना चाहते हैं वो नंबर आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। तो उस नंबर को आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है और उसके बाद नीचे जो सबमिट लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। तो चलिए मैं मेरा आधार कार्ड यहाँ पे दे देता हूँ और सबमिट पर क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे वेरीफाई पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर और एक ओटीपी आ जाएगा, उसको आपको यहाँ पर टाइप करके वेरीफाई पर क्लिक कर लेना है। चलिए मैं वेरीफाई पर फिर से मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं जैसे सबमिट पर क्लिक करता हूँ सामने वेलकम टू द डिजिटल लॉकर बोल के एक पेज आ जाएगा, पॉपअप पेज आ जाएगा, इसको आपको काट लेना है, यहाँ से क्लोज कर लेना है और उसके बाद आपका जो इंटरफेस रहेगा, आपका जो अकाउंट का जो इंटरफेस रहेगा कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ेगा। इसके सिवा आप ऊपर में देख सकते हैं कि आपका जो प्रोफाइल है यहाँ पर आ जाएगा, आपका प्रोफाइल, आपका फोटो जो आधार कार्ड में आपका फोटो दिया हुआ है वो यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करके आपका जो डिजिटल लॉकर प्रोफाइल है ये भी देख सकते हैं और यहाँ तक कि अकाउंट सेटिंग्स भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका पूरा का पूरा जो प्रोफाइल है, आधार कार्ड में जो प्रोफाइल है ऊपर में आधार कार्ड का नंबर से लेकर सब कुछ आपके सामने आ जाएगा यहाँ पर। तो इसके बाद आपको जो करना है आपको अपने डैशबोर्ड पर यहाँ पर आना है, आपको डैशबोर्ड पर आके आप यहाँ से ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है जो कि इस आधार कार्ड के साथ लिंकअप किया हुआ है दोस्तों, तो उसको आपको सबसे पहले वेरीफाई कराना है। तो वेरीफाई कराने के लिए आप जैसे डैशबोर्ड पर आएंगे सबसे ऊपर आपको ईमेल आईडी यहां पर दिखाई देगा, यहां पर आपको उसके पास में दिखाई देगा सेंड वेरिफिकेशन लिंक, तो उस पर आपको क्लिक करना है और एक लिंक आपके ईमेल आईडी पर चला जाएगा। तो उसके बाद आपको अपने ईमेल आईडी पर आना है और जैसे ही आप अपने ईमेल आईडी पर आएंगे आपको एक लिंक यहाँ पर मिलेगा, उसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे क्लिक हेयर टू वेरीफाई पर आपको क्लिक कर लेना है। अब जैसे वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे तो ये डिजिटल लॉकर अपने आप वेरीफाई हो जाएगा, ईमेल वेरिफिकेशन हो जाएगा और यहाँ पर आपको लिख के आ जाएगा एक ईमेल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ गया। तो आपको अब क्या करना है, इसको यहाँ पर काट देना है और फिर से आपको यहाँ पर चले जाना है, इसको एक बार अपलोड कर लेना है फिर से या फिर रिफ्रेश कर लेना है। अब जैसे रिफ्रेश करेंगे तो ये फाइल तैयार होके आ जाएगा। तो उसके बाद आप बाएं साइड में देख सकते हैं इशूड डॉक्यूमेंट्स, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये इशूड डॉक्यूमेंट्स क्या है। जैसे कि देखिए आधार कार्ड इशूड डॉक्यूमेंट्स है और इसी आधार कार्ड से मैंने इस अकाउंट को जैसे लिंक किया हुआ है, तो ये आधार कार्ड उस UDI जो आधार कार्ड का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से ये आधार कार्ड फेच होके आ गया है ऑटोमेटिकली। अब आप चाहे तो, अगर आपका आधार कार्ड खो भी जाता है आप चाहे तो यहां से इसको सेव कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इसको यहां से। इसके सिवा अगर आप और भी कोई डॉक्यूमेंट्स अगर ऑनलाइन इसको यहां पर लाके इसको रखना चाहते हैं, जैसे कि हो गया वोटर कार्ड या फिर हो गया आपका कोई ड्राइविंग लाइसेंस या दूसरा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि ऑनलाइन उपलब्ध है आपका, तो उसको भी आप यहां पर
ला सकते हैं उसके लिए आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद आप सिलेक्ट करना आपको पड़ेगा यहां से आप कौन कौन सा, किसको आप यहां पर सिलेक्ट करना चाहते हैं, इसको यहां पर लाना चाहते हैं, आपको यहां से सिलेक्ट करके आप यहां पर ला सकते हैं। तो खैर ये वाला जो पोर्शन है मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा, अभी मैं फिलहाल आप लोगों को दिखा देता हूं अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आप कौन सा खुद से कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके यहां पर रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करके अपने कंप्यूटर पर रखना है, उसके बाद आप यहां पर आ सकते हैं। आप आके अगर आप डॉक्यूमेंट्स पर रखना चाहते हैं, इस फोल्डर पर आपको रखना चाहते हैं आप, तो इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद आपको डाउन अपलोड्स पर आपको यहां पर क्लिक करना पड़ेगा, और क्लिक करने के बाद जहां पर वो डॉक्यूमेंट्स आपने रखा है यहां से उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं फिलहाल तो पैन कार्ड को ही सिलेक्ट कर लेता हूं, तो मैं पैन कार्ड को यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं, और देखिए ये यहां पर अपलोड हो रहा है। तो जैसे यहां पर अपलोड हो जाता है तो आपके सामने एक पॉपअप पेज खुल के आ जाएगा जिसमें लिखा हुआ रहेगा कॉन्ग्रेट्स ऑन योर फर्स्ट अपलोड। तो इसको आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आपको क्लिक कर लेना है, और देखिए यहां पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स है यहां पर वो आ गया है। तो आप इस तरह से यहां पर सेव करके रख सकते हैं, आप चाहे तो दूसरा कोई भी इसके बाद और भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहां पर क्लिक करके यहां पर सेव करके आप रख सकते हैं, और यहां से आप कहीं भी इसको शेयर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक डॉक्यूमेंट, आप चाहे तो खुद का भी एक प्रोफाइल एक फोल्डर यहां पर बना सकते हैं अलग से। ये दोनों सपोज आपको ये दोनों प्रोफाइल पर नहीं रखना है, ये दोनों फोल्डर पर आपको नहीं रखना है, आपको खुद से एक फोल्डर बनाना है जहां पर आपको अपलोड करके रखना है। तो आपको यहां पर क्लिक करना है, और यहां पर क्या करना है, जो न्यू डॉक्यूमेंट्स है जो न्यू फोल्डर है इसको आपको टाइप कर लेना है। जैसे आप आधार कार्ड दे दीजिए और इंटर पर क्लिक कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा ये यहां पर आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, आप आधार कार्ड को इसके अंदर जाके यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करके यहाँ पर आधार कार्ड आप अपलोड करके यहाँ पर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये सारा खेल है डिजिटल लॉकर का। इस वीडियो को लाइक शेयर और नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।